हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूबिये हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा संजू फिल्म के बारे में। संजू फिल्म एक हफ्ते बिता चुकी है, इसका आठवां दिन भी लगभग पूरा हो चुका है। मुझे पता है मेरा पूरा का पूरा जो प्रेडिक्शन है वो गलत आने वाला है, क्योंकि मैंने काफी आई थिंक ज्यादा प्रेडिक्शन कर दिया था, लेकिन इस फिल्म को काफी ड्रॉप मिला फ्राइडे को। और इसका कलेक्शन जो है 12 से 13 करोड़ के आसपास पता चल रहा है, कि यानी कि इसका मतलब साफ साफ है कि ये कलेक्शन करीबन 202 थे, फिर 214 से 215 करोड़ तक ही आएंगे 8 दिनों के बाद। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि 9th डे का कलेक्शन क्या हो सकता है या प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। आप सोचोगे यार मैं वापस से कम करूंगा, तो नहीं, शनिवार का दिन है तो ये कहीं ना कहीं फायदा होगा इस फिल्म को। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो प्रेडिक्शन आई होप मेरा सही आएगा, बहुत ही नपतुला ही प्रेडिक्शन दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म 14 से 15 करोड़ करनी चाहिए। और 14 से 15 करोड़ करेगी तो एक अच्छा खासा कलेक्शन होगा। आपको बता दूं ड्रॉप जो मिला है स्क्रीन्स में बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10% का ड्रॉप मिला है। और यहां पर जो स्क्रीन काउंट पता चल रहा है वो 3900 से 3950 के आसपास स्क्रीन काउंट पता चल रहा है, यानी कि सिर्फ 400 स्क्रीन्स। जब 400 स्क्रीन्स ही सिर्फ कम हुए तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। 3900 स्क्रीन दूसरे वीक में भैया बहुत है। और ये पूरा वीक इस फिल्म के पास जितना भी कमाना चाहे कमा ले, इसके बाद इसे बहुत ट्रबल वाली है सूरमा से उसके बाद धड़क से। लेकिन फिलहाल इसके पास पूरा हफ्ता है भैया, एंजॉय कर लो भैया, बाबा बिल्कुल एंजॉय करेगा ये फिल्म। और मुझे लगता है ये फिल्म चलेगी इस हफ्ते भी अच्छी खासी। और जिनको डाउट हो मगज में कि ये 300 करोड़ नहीं जाएगी, तो वापस से मैं कह रहा हूं 300 करोड़ तो भैया जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। 300 करोड़ के ऊपर कितना जाएगी ये बड़ा सवाल है। और आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी इसका लाइफ टाइम करीबन फिल्म रिलीज होने के ट्रेलर जिस दिन आया उसके बाद ही दी थी, उसी दिन मैंने कहा था 290 करोड़ से 310 करोड़। देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन जो था मेरा 1.5 से 2 महीने पहले मैंने जो किया था वो कितना सही होता है कितना गलत होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ड्रॉप मिला है वो बहुत थोड़ा ज्यादा मिल चुका है आई थिंक सेकंड फ्राइडे को, जो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मुझे जिस तरह से फिल्म चली थी मुझे लगा यार ये 350 करोड़ की इंच रुकेगी नहीं, ऐसा भी फील आया था फर्स्ट वीक खत्म होते होते। बट आई थिंक थोड़ा सा ड्रॉप मिल रहा है और आई थिंक धीरे धीरे और ड्रॉप मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप ही क्या है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।